हे गाइस, आज मैं तुम्हें वन पीस के एगेड आइलैंड आर्क से रिलेटेड बहुत से मोमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो ये प्रूव कर देंगे कि ये एगेड आइलैंड आर्क वन पीस का सबसे बेस्ट आर्क है। और अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो एगेड आइलैंड आर्क को फ्यूचर आइलैंड आर्क भी बोल सकते हो और ये वन पीस के फाइनल सागा का पहला आर्क है और ये आर्क अब अपने फाइनल मोमेंट तक पहुंच चुका है। अब जैसे न्यू चैप्टर्स में दिखाया गया है उसके हिसाब से अब एगेड की स्टोरी में ज्यादा कुछ बचा नहीं है एंड फाइनली स्ट्रॉ हैट्स के लिए एल्फ जाने का वक्त आ चुका है। एगेड आर्क ने शुरुआत से लेकर अब तक एक बार भी निराश नहीं किया है और इसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिन्होंने इस आर्क को वन ऑफ द बेस्ट आर्क बना दिया। सो गाइस, अब उन मोमेंट्स की बात करते हैं तो इसके आगे थोड़े बहुत स्पॉयलर्स होंगे पर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा स्पॉइल ना करूं, तो वीडियो छोड़कर चले मत जाना, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फर्स्ट स्टार्टिंग को ही पहले लेते हैं लूफी एंड लुचीज रीमैच। जब CP0 एगेड आइलैंड पर आते हैं तो पूरे 2 सालों बाद लूफी एंड लुची का फिर से एक दूसरे से आमना सामना होता है और बिना टाइम वेस्ट किए दोनों लड़ने लगते हैं। लूफी अपने गेयर फाई को यूज करता है और लुची अपने डेविल फ्रूट के अवेकन फॉर्म को यूज करता है, पर एट लास्ट लूफी ही इस फाइट को जीत जाता है। और ये रीमैच हमें अच्छे से बताता है कि ये दोनों कितना ग्रो हो चुके हैं। और मांगा इस साइड इसके एनिमे एपिसोड ने तो तहलका मचा दिया था बेस्ट फाइट एंड एनिमेशन की वजह से। सब नेक्स्ट है कुमा's बैक स्टोरी। अब कुमा की बैक स्टोरी तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि ये सबसे बेस्ट बैक स्टोरी है जिसे तुम्हें खुद ही देखना चाहिए। पर जब कुमा के खुद के फ्री विल से जब वेगापंक कुमा को मार रहा था तब कुमा वेगापंक से अपनी लास्ट विश कहता है कि बोनी को मेरी तरफ से 10th हैप्पी बर्थडे विश कर देना। एंड वेगापंक भी कुमा को एक ट्रेजिक हीरो मानता है जो वेरी एंड तक अच्छा और ह्यूमैनिटी से भरा था। और इस बैक स्टोरी ने कुमा को वन ऑफ द बेस्ट रिटन कैरेक्टर बना दिया वन पीस का। सो अब आगे बढ़ते हैं, डोरी एंड ब्रोगी मेक द ट्रू ट्रायंपेंट रिटर्न टू द सीरीज। लूफी के गेयरफाई के साथ भी एगेट से एस्केप करना बहुत खतरनाक हो गया था और सैटर्न ने वेगापंक को अधमरा भी कर दिया था और चारों तरफ से मरीस ने आइलैंड्स को घेर रखा था। अब स्ट्रॉ हैट्स के लिए चीजें बहुत खतरनाक दिख रही थी, पर तभी अचानक से स्ट्रॉ हैट्स के पुराने दोस्त आ जाते हैं उनकी मदद के लिए, द जायंट वॉरियर्स डोरी एंड ब्रोगी। इससे पहले भी ये दोनों शैंक्स के साथ एक बार दिख चुके हैं पर मानो तो एगेट आइलैंड पर उनकी प्रॉपर एंट्री होती है और डोरी एंड ब्रोगी अपने साथ पूरे जायंट वॉरियर्स की सेना लेकर आते हैं लूफी को बचाने के लिए और इससे अच्छा वापसी का तरीका हो ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट है बोनी रियलाइजेस द फुल पोटेंशियल ऑफ हर डेविल फ्रूट। अब वन पीस चैप्टर 11-18 में स्ट्रॉ हैट्स निकलने के लिए तैयार है एगेट से, पर सैटर्न अभी भी उनके बीच खड़ा है। तब लूफी अपना गियर फाइव फिर से एक्टिवेट करता है और वो बोनी को भी उसके पावर्स को यूज करके उसे मदद करने के लिए कहता है और बोनी निका पर जो भरोसा करती है उसकी वजह से वो अपने डेविल फ्रूट एज फ्रूट की पावर को इस्तेमाल करके गियर फाइव जैसे स्टेट में आ जाती है और वो फिर लूफी के गियर फाइव जैसे ही दिखती है। बोनी का कैरेक्टर आर्क स्ट्रगल और होप के पीछे ही भागता है जो भी कुमा के साथ हुआ था। उसके बाद बोनी खुद सिंबल ऑफ होप बनती है, खुद निका बनकर, और ये बात बोनी की स्टोरी को अच्छे से कंक्लूड करता है। और जो भी बोनी एंड कुमा ने अब तक जो सहा था उसके बाद ये मोमेंट जब बोनी अपने डिस्टॉर्टेड फ्यूचर का इस्तेमाल करके गियर फाइव के रेप्लिका में बदल जाती है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट में से एक था वन पीस में। एंड लास्ट इज शैंक्स प्रूव्ड व्हाई ही इज एन एम्परर इन अ सिंगल अटैक। एगेट के फिनाले में हमें एगेट के बाहर की बातों को भी दिखाया जाता है जिसमें आता है शैंक्स वर्सेस किड। पहले तो शैंक्स किड के साथ आराम से इजी जाना चाहता था, पर किड की हरकतों के चलते जो किड शैंक्स के एलाइज को तबाह कर रहा था उसे देखकर शैंक्स किड को बस एक ही सिंगल अटैक में मार गिराता है। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं था जिसमें किड शैंक्स को हरा देता, बस ये किड का इल्यूजन था और शैंक्स ने उस इल्यूजन को रॉजर के सिग्नेचर अटैक डिवन डिपार्चर से किड को एक ही ब्लो में हरा कर तोड़ दिया। और ये एकदम सही तरीका है लोगों को बताने का कि आखिर फोर एम्परर्स कितने पावरफुल होते हैं और उससे भी ज्यादा क्यों शैंक्स इतने सालों तक इतने टॉप पर है और अब तो सबसे पावरफुल एम्परर भी वही है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो तुम्हें ये पॉइंट्स कैसे लगे और अगर तुम्हारे पास भी कुछ ऐसी पॉइंट्स है तो मुझे कमेंट्स में बताना, फिर इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं बना दूंगा। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। और MHA सीजन 7 के एंडिंग एंड MHA के फ्यूचर के बारे में और अब MHA में आगे क्या होगा इसे जानना है तो लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, या फिर ड्रैगन बॉल की लेगेसी के बारे में भी तुम देख सकते हो, बस राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर देना। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।